हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, क्लास टेंथ की संस्कृत के एग्जाम से पहले कंप्लीट रिवीजन के लिए मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम कंप्लीट पेपर देखेंगे आपका सेक्शन अ, सेक्शन ब, सेक्शन स और सेक्शन द। खंड अ, ब, स, द कंप्लीट देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें जरूर। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपको हिंदी के भी इसी प्रकार के इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है पीक काकयोः भेदः कदा दृश्यते। ऑप्शन है यहां पर, चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन अ है रात्रि, ऑप्शन ब है ग्रीष्म काले, ऑप्शन स है वर्षा काले और ऑप्शन द है वसंत समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द, वसंत समय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है जननी तुल्य वत्सला इति पाठस्य मूलं किम्। ऑप्शन आपके पास अ रामायणम, ऑप्शन ब कादंबरी, ऑप्शन स हर्षचरितम और ऑप्शन द है महाभारतम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ रामायणम। तीसरा प्रश्न है सूची पर्यावरणम इति पाठः कुतः संकलित। ऑप्शन एक है लसल्लतिकात, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है रामायणत और ऑप्शन द है रघुवंशत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ लसल्लतिकात। अगला प्रश्न है चौथा, शीतले जले स्थित प्रज्ञः इव कः तिष्ठति। ऑप्शन एक है बकः, ऑप्शन ब है मीनः, ऑप्शन स है मकरः और ऑप्शन द है पीकः। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बकः। पांचवा प्रश्न है दुर्वले सूते कस्याः अत्यधिका कृपा भवति। ऑप्शन एक पितु, ऑप्शन बी है भगिन्या, ऑप्शन सी है कन्यायाः और ऑप्शन द है मातुः। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द मातुः। अगला प्रश्न है छठा, सूची पर्यावरणम इति पाठस्य लेखकः कः। ऑप्शन है हरिदत्त शर्मा, ऑप्शन बी है महावीर प्रसादः, ऑप्शन स है नवल किशोरः और ऑप्शन द है कलानाथः। तो इसका सही उत्तर रहेगा हरिदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है सूरभि कासाम माता आसीत। ऑप्शन एक है अश्वनाम, ऑप्शन बी है दैत्यानाम, ऑप्शन सी है धेनु नाम और ऑप्शन द है देवा नाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स धेनु नाम। अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है कोष्टके शब्दस्य समुचितम रूप प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, कोष्टक में शब्द दिया हुआ उससे। पहला है ते रिक्त स्थान स्वग्रामम गच्छन्ति, यहाँ पर सर्व शब्द है तो आप लिखोगे उत्तरम इसका रहेगा ते सर्वे स्वग्रामम गच्छन्ति। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान किम नाम अस्ति युष्मद, तो यहाँ पे लिखेंगे तव किम नाम अस्ति। अगला प्रश्न है कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्ययाभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूर्यत। पहला है अहम रिक्त स्थान न खादामि गम श्रित, तो यहाँ पे आपको लिखना है अहम गच्छन न खादामि। अगला है लोके रिक्त स्थान दुर्लभम नर धन त्वा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लोके नरत्वम दुर्लभम। अब है तीसरा प्रश्न अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। तो इस अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद में नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको। थोड़ा समय पढ़ के बता देता हूँ। मातृभूमि प्रति प्रेम न त्यागस्य आत्मोत्सर्गस्य सर्वस्वार्पणस्य च नेके समुज्वला पृष्ठा राजस्थानस्य इतिहासे मिलन्ति, परन्तु रातिघाटी नामकस्य युद्धस्य उल्लेख राजस्थानस्य इतिहासे लुप्त प्राय वर्तते। तो इस तरीके से आपको इस पूरे को पढ़ना है और यहाँ पर हम सीधा प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके और प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखतु, इसका आपको उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो शीर्षक है रातिघाटी युद्धम, ठीक है, रातिघाटी युद्ध के बारे में यहाँ पर वर्णन है। दूसरा प्रश्न है राजस्थानस्य इतिहासे कस्य युद्धस्य उल्लेखः लुप्त प्राय वर्तते, तो आपको लिखना है कि राजस्थानस्य इतिहासे रातिघाटी नामकस्य युद्धस्य उल्लेखः लुप्त प्राय वर्तते। यहाँ पर देखो लिखा हुआ ना रातिघाटी युद्धस्य इतिहास से मिलन तो, परंतु रातिघाटी नामक अस्य युद्ध से उल्लेख राजस्थान इतिहास से लुप्त प्राय वर्तते। तो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में से मिलेगा, गद्यांश में से मिलेगा। अगला प्रश्न है रातिघाटी
इति महत्युद्यम कस्य गौरवशालिनी कथा अस्ति। तो लिखेंगे रातिघाटी इति महत्युद्धम भारतीय शौर्यस्य गौरवशालिनी कथा अस्ति। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कामरानः किमर्थम लाहौरात आगतः। लिखेंगे कामरानः भारतम जेतु लाहौरात आगतः। पांचवा प्रश्न है पलायितः इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किमस्ति। तो इसका उत्तर है कामरानः। अगला है छठा प्रश्न, पृष्ठाः इति विशेष्य पदस्य गद्यांशे विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। इसका उत्तर है आपको लिखना है समुज्ज्वलः। अगला है सातवां प्रश्न, तस्य शिरस्त्राणम इत्यत्र तस्य इति सर्वनाम पदस्थाने संज्ञा पदम किम। तो इसका उत्तर है आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कामरानस्य, बाबरस्य, हुमायूँ और युद्धस्य। तो इसका उत्तर रहेगा कामरानस्य। नेक्स्ट है शिरस्त्राणम इत्यस्य पर्याय पदम किम। तो इसका उत्तर है मुकुटम। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है अनुजः इति पदस्य हिंदी अर्थः कः। तो इसका हिंदी अर्थ होता है छोटा भाई। नेक्स्ट प्रश्न है दसवा, अकरोत् इति पदे लकार पुरुष वचनम लिखत। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, उत्तर है लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचनम। नेक्स्ट आपको 11 से लेकर के 11-12 दो प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत माध्यम में लिखत। आपको संस्कृत में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है मातुः अभ्यधिका कृपा कस्मिन् भवति। तो इसका उत्तर लिखना है मातुः अभ्यधिका कृपा दुर्बले सूते भवति। अगला प्रश्न है केन समः बंधु नास्ति। तो इसका उत्तर लिखेंगे उद्यमेन समः बंधु नास्ति। तीसरा प्रश्न है वनराजः के दुर्वस्थाम प्राप्तः। इसका उत्तर लिखेंगे वनराजः तुच्छ जीवे वानरे दुर्वस्थाम प्राप्तः। नेक्स्ट प्रश्न है जनः किमर्थ पदाति गच्छति। तो आप लिखेंगे जनः परमर्थ कार्येन पीड़ित आसीत अत एव सः पदाति गच्छति। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत। आपको संधि विच्छेद इसका करना है। पहला है सच्छात्र, तो लिखेंगे सत धन छात्र, और इसमें संधि कौन सी है तो आपको लिखना है श्रुत्व संधि। नेक्स्ट है मनोहर, तो इसमें मन धन हर उत्व संधि। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा संधे नामापि लिखत। संधि करनी है आपको और उसके बाद में उसकी संधि कौन सी है वो लिखना है। तो पहला है बहिधन गच्छ, तो इसका होगा बहिर्गच्छ और ये रुत्व यानी विसर्ग संधि है। और अगला शब्द है अच धन अंत, तो होगा अजंत और यहाँ पर जस्वत्व संधि है। अब नेक्स्ट है छठा प्रश्न, अधोलिखित रेखांकित पदयो समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। पहला प्रश्न है भरत शत्रुघ्नो भ्रातरो आस्ताम। तो इसका उत्तर है कि भरतश्च शत्रुघ्नश्च द्वंद्व समासः। अगला प्रश्न है असो महाराजः अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे महान राजा इति कर्मधारय समासः। सातवा प्रश्न है अधोलिखित रेखांकित पदयोः विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। समास का आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है यहाँ पे। दिनम दिनम प्रति योगाभ्यासः कर्तव्यः, तो लिखना है प्रतिदिनम अव्ययी भाव समास, ठीक है प्रतिदिनम और अव्ययी भाव समास यहाँ पे। उद्याने कृष्ण सर्पः निवसति, तो लिखना है कृष्ण सर्पः और कर्मधारय समासः। आठवां प्रश्न है अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। तो पहला शब्द है निर्गम, इसमें निर तो उपसर्ग है और गम यहाँ पे गम, ठीक है, और दुर्योधन में दूर जो है वो उपसर्ग है योधन। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, मंजूषायाम प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरित्वा लिखत। आप लिखेंगे ईश्वर व्यापक अस्ति अत्र सर्वत्र या ऊपरी, तो आप लिखेंगे ईश्वर सर्वत्र व्यापक अस्ति। नेक्स्ट ख है त्वम इदानीम रिक्त स्थान आगच्छसि कुत तदा या एवं, तो लिखेंगे त्वम इदानीम कुत आगच्छसि। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत। आपको इन शब्दों को संस्कृत में लिखना है। 101 है तो इसे लिखेंगे एकाधिक शतम, और 521 है इसे लिखेंगे एक विंशत्यधिक पंचशतम।
ग्यारहवा प्रश्न, अधो लिखित वाक्यों रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, आपको प्रश्न का निर्माण करना है। पहला प्रश्न है, सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एवासित, तो आप लिखेंगे सिंह वानराभ्याम कस्याम असमर्थ एवासित। अगला प्रश्न है, मयूरस्य नृत्यम प्रकृते आराधना, तो आप लिखेंगे मयूरस्य नृत्यम कस्या आराधना। अगला प्रश्न है बारवा, अधो लिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुतः, पहला है, पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्यो महान रिपु नास्ध्युमस्यो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति, तो यहाँ पे लिखेंगे अन्वय यानी ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान शत्रु आलस्यम उद्यम समह बंधु न अस्ति यम कृत्वा यानी मनुष्य न अवसीदति। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्यो शुद्धम कृत्वा लिखत, आपको वाक्य को शुद्ध करना है, वृक्षे ऊपरी काकः तिष्ठति, लिखेंगे वृक्षस्य ऊपरी काकः तिष्ठति। नेक्स्ट ख है, धनिकः भिक्षुकम् वस्त्राणि यचति, आप लिखेंगे धनिकः भिक्षुकाय वस्त्राणि यचति। स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम् संस्कृत भाषायां लिखत, आपकी पाठ्यपुस्तक में से दो श्लोक आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं, तो पहला लिखेंगे व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, अब जो भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं आप, स च सीते वसंते च तेषां पथ्यतम स्मृतः। और दूसरा है, सर्वेश्विनी त्रिस्वहरम ह पुंभीरात्मा हिते सिभि बलश्चोर्धयन कर्तव्यो व्यायामो हंत्यो हंत्यो अन्यथा। और नेक्स्ट है, जननी तुल्य वत्सला इति पाठाय सारम हिंदी भाषा लेखत, इस पाठ का आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है, तो लिखेंगे उत्तर सार लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ जननी तुल्य वत्सला में वर्णित कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना जगाती है। कथा के अनुसार कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था, उन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल तथा तेज गति से चलने में असमर्थ था, अतः किसान उस दुर्बल बैल को अत्यधिक कष्ट देता था। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर पड़ा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र बैल को देखकर गोमाता सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि को रोता हुआ देखकर देवराज इंद्र ने जब उसका कारण पूछा, तब सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। वह दीन है, ऐसा जानवर भी किसान उसे अत्यधिक प्रताड़ित करता है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान भाव से होता है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति माता की अधिक कृपा होती है। गो माता सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया और इंद्र की कृपा से शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। सभी जगह पानी ही पानी हो गया। इससे किसान अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट है, 16वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकात् पद्यांशस्य संस्कृत भाषाय लिखत, आपको संस्कृत भाषा में इनको लिखना है। यहाँ पे देखिए दो श्लोक हैं, है ना, इसको यहाँ पे आप इस तरीके से देख लेना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दोनों को रोक वीडियो को पॉज करके और आप इसे दोनों को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में ये जो गद्यांश है इसका आपको संस्कृत में जो गद्यांश दिया हुआ है इसका हिंदी में आपको लिखना है, इसका अर्थ लिखना है हिंदी में, तो आप हिंदी में लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें विद्वान न्यायाधीश एक विचित्र युक्ति से सफलतापूर्वक न्याय किए जाने का प्रेरणास्पद वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अगले दिन वह सिपाही चोर के आरोप में उसे अतिथि को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण को सुना। संपूर्ण वृतांत जानकर उसने उस अतिथि को निर्दोष माना और रक्षक पुरुष को दोषी, किंतु प्रमाण के अभाव से वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। इसके बाद उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष पुनः स्थापित किया। उसी समय वहीं के किसी कर्मचारी ने आकर प्रार्थना की कि यहाँ से दो कोस के मध्य किसी व्यक्ति को किसी के द्वारा मार दिया गया है, उसका मृत शरीर सड़क के समीप है, आदेश दीजिए क्या किया जाए। न्यायाधीश ने रक्षक पुरुष चौकीदार और अभियुक्त अतिथि को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। और एक और यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ इसका भी आपको यहाँ पर लिखना है अर्थ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो ये बाकी जो आप प्रश्न हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इनका प्रसंग है, अनुवाद है,
और इसका नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।